दोस्तों आप लोगों ने ड्राई सिरप यूज़ किया होगा, ड्राई सिरप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ये होता है ड्राई सिरप क्योंकि इसके अंदर पाउडर फॉर्म है और अलग से इसमें वाटर मिलता है, स्टराइल वाटर जो पैकिंग में आता है, किसी किसी के साथ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो आपको ऐड करना पड़ता है, और अगर आपको स्टराइल वाटर मिलता है साथ में ड्राई सिरप के साथ में, तो आपको जहाँ तक मार्क है वहाँ तक आपको इसको मेंशन करना होता है, शेक करना होता है, मिक्स करना होता है। और डॉक्टर बोलते हैं 3 डेज और 5 डेज का होता है इसका कोर्स, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है बराबर। लेकिन आप में से बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं पता है? क्या गलतियां करते हैं आप बताइए ना, आपने कभी वो गलती की होगी? शायद की है, क्या नहीं की है? शायद आपने ये गलती की होगी कि अगर इसमें से थोड़ा सा बच गया, और मान लीजिए आपका बच्चा फिर से बीमार पड़ गया, तो उठा करके इसी का ही सिरप दे दिया वापस जो बचा हुआ था। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ड्राई सिरप को लेकर के आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक बार आपने इसको रेडी कर लिया, वाटर को मिक्स कर लिया, ठीक है, ड्राई सिरप को आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आपको इसको 3 दिन या 5 दिन के बाद ख़त्म कर देना है, ठीक है। जो डॉक्टर बताएंगे आपको डोज, उस हिसाब से आपको इसको फिनिश करना है। और अगर बच जाता है तो आपको इसको फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में वो भी मैक्स टू मैक्स 14 डेज, 14 दिनों के लिए। बस 14 दिनों के बाद आप इसको यूज़ ना करें, इसको फेंक दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी गलती ना करें कि ड्राई सिरप ला के रख दें, तैयार कर दें, फिर उसके बाद जो बच जाए उसको फेंके ना, और बाद में फिर यूज़ कर लें 20 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद, या फिर 1 मंथ के बाद। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर बच जाता है तो उसको फेंक दें। अगर आपको रखना है तो मैक्स टू मैक्स कितने दिन? 14 डेज, वो भी फ्रिज के अंदर, उसके ऊपर ना रखें, उसके बाद उसको फेंक दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।